नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं, यह एक्वागार्ड रिवाइवा एनएसटी आरओ प्लस यूवी प्लस एमटीडीएस वाटर प्यूरीफायर। तो ये जो वाटर प्यूरीफायर है, इसका ऑटो कट सेंसर खराब हो चुका है और ख़राब होने के कारण ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पानी भरने के बाद ऊपर से पानी गिर रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस वाटर प्यूरीफायर का ऑटो कट सेंसर को किस प्रकार नया चेंज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बिल आइकन पर क्लिक कीजिए वीडियो के नए अपडेट पाने के लिए। मैं इसी प्रकार का वीडियो लेके आता रहता हूं। अगर आपके आरओ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। जो भी उसमें प्रॉब्लम होगा, आप अपना आरओ अपने हाथ से बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वाटर प्यूरीफायर है, इसका ऑटो कट सेंसर ख़राब हो चुका है और ख़राब होने के कारण टैंक में पानी फुल होने के बाद ओवरफ्लो हो रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसका ऑटो कट सेंसर सेट, जो नया सेट ऑटो कट सेंसर आता है, इसको किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम ऑटो कट सेंसर इसका नया लिए हैं जो कि सेट है। अब इसको चेंज करेंगे इसमें, तो इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार है ये। इसको रखते हैं साइड में। और ये जो वाटर प्यूरीफायर है, इसका जो पीछे का स्क्रू है, सभी स्क्रू को रिमूव कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। और रिमूव करने के बाद इसका जो ढक्कन है, इसको बाहर की ओर खींचेंगे, बाहर निकालेंगे। आप ये देख सकते हैं, बाहर निकालने के बाद इसका इंटरफेस देख सकते हैं किस प्रकार है ये। तो इसका जो ऑटो कट सेंसर है, यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे। तो ऑटो कट सेंसर को हमको ऊपर से ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन करने के लिए इसका जो ऊपर का ढक्कन है, ढक्कन को हम बाहर निकालेंगे। और आप ये देख सकते हैं, बाहर निकालने के बाद इसका जो ऑटो कट सेंसर में जो वाइट में प्लास्टिक का स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। तो प्लास की मदद से इसको हम खोलेंगे, टाइट बहुत है इसलिए। तो इसको आपको सावधानी पूर्वक खोलना है। ये आप देख सकते हैं, ये खुल चुका है। अब इसको हाथ से खोलेंगे और ये खुल चुका है। ये है इसका स्क्रू जो कि इसमें टाइट किया गया था। इसको रखते हैं साइड में। और ये जो ऑटो कट सेंसर है, इसको दबाना है नीचे से, आपको आराम से दबाना है, जिससे कि इसका वाशर नीचे न गिरे। और यहाँ से आपको इसको बाहर निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं, इसको हम बाहर निकाल चुके हैं। ये पूरी तरह ख़राब हो चुका है, ऑटो कट सेंसर काम नहीं कर रहा है इसका। तो इसको हम, इसका जो वायर है, तार है, यहाँ से ये दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये न्यू है, जो हम न्यू लेके आए हुए हैं। इसको रखते हैं, इसको इसमें हम लगाएंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। और ये जो पुराना वाला है, इसके यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, इसको यहाँ पे दबाना है आपको। दबाने के बाद इसको आपको खींच देना है ये इस प्रकार, और इसको ऐसे ये बाहर आ जाएगा। और बाहर आने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये पुराना वाला है जिसको हम बाहर निकालने हैं। इसको रखते हैं साइड में। और ये जो है नया है ये, और इसका जो ये कनेक्टर दिया हुआ है, इसको जैसे लगा था उसी प्रकार आपको इसमें दबा के इस प्रकार इसमें कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसका जो ऊपर का ये है दिया हुआ है,
प्लास्टिक का स्क्रू को खोलना है। और खोलने के बाद इसको जहाँ पे लगा हुआ था आपको इसमें लगाना है। तो इसमें एक रबड़ दिया हुआ है वाशर, तो आपको इसको सावधानी पूर्वक लगाना है जिससे कि वाशर उसमें लगा रहे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हम इसको पूरी तरह लगा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लग चुका है उसके होल में, फिट हो गया है। और फिट करने के बाद इसके टैंक के अंदर में ये आ चुका है। और इसका जो प्लास्टिक का स्क्रू है उसको इसमें लगाना है। इस प्रकार आपको टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद आपको प्लास के मदद से भी इसको टाइट करना है इस प्रकार। ये टाइट हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे जिसमें कि नीचे से देखेंगे पानी डालने के बाद कि कहीं ये लीकेज तो नहीं कर रहा है। तो इसमें पानी डालेंगे ऊपर से, तो आप देख सकते हैं इसमें हम पानी भर चुके हैं। और यहाँ तक ये पानी इसमें भरा हुआ है ये, और पानी इसमें लीक नहीं हो रहा है, ये आप देख सकते हैं एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। तो ये फिट हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम हो, और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।